आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फोन पे साउंड बॉक्स का जो लैंग्वेज है वो कैसे चेंज करें। यदि आप फोन पे साउंड बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट जो है वो लैंग्वेज इंग्लिश है, उसकी भाषा जो है इंग्लिश है, उसको चेंज कैसे करें, मतलब कि उसको हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, जो भी लैंग्वेज और रीजन लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसको कैसे चेंज करें उसी के बारे में बताएंगे। तो बिना स्किप किए उस वीडियो को पूरा देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ोन पे साउंड बॉक्स का लैंग्वेज चेंज करवाने के लिए आप यहाँ पर देखते हैं एक नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करेंगे। चलिए हम कॉल करके आपको बताते हैं। कॉल करने के बाद इस तरह से कॉल लग जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। हिंदी के लिए एक दबाएंगे, इंग्लिश के लिए दो दबा लेंगे आप। मर्चेंट के लिए आप जो है यहाँ पे एक दबाएंगे। पेमेंट और सेटलमेंट से संबंधित सवाल के लिए एक दबाएं। बैंक खाते KYC या किसी भी प्रोफाइल जानकारी को अपडेट करने के लिए दो दबाएं या के लिए नौ दबाएं। तो आप यहाँ पे नौ दबा लेंगे इसमें। ऐप या डैशबोर्ड से संबंधित सवाल के लिए एक दबाएं। कोई और समस्या के लिए नौ दबाएं। आप उसे दोबारा यहाँ पे नौ दबा लेंगे। जल्द ही आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। आप जो है कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट किया जा रहे हैं के बाद हम इनसे बात करेंगे कि कैसे लैंग्वेज चेंज करना है। और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। हेलो सर, ये बोलना है कि मेरा साउंड बॉक्स जो है उसका लैंग्वेज चेंज करवाना है। मोबाइल नंबर बताना है क्या आपको? QR कोड वेरीफाई के लिए, ठीक है। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि वेरीफाई के लिए आप अपना QR कोड नंबर बता दें। जी, दुकान का नाम? ओके, थैंक यू सर। इशू एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। इशू ये है ना कि साउंड बॉक्स जो है उसका लैंग्वेज चेंज कराना है। वो डिफ़ॉल्ट जो है वो इंग्लिश में सेट किया हुआ है, तो हमें हिंदी या फिर किसी और लैंग्वेज में चेंज हो सकता है क्या? ओके, आपको मतलब आपके रीजनल लैंग्वेज आपको चेंज करना है? हाँ, हमें रीजनल लैंग्वेज में चेंज करना है। ओके, मैं समझ पा रहा हूँ। एक सेकंड, ठीक है। तो जैसे ही कॉल लगाया हमने तो उसके बाद जो है इन्होंने वेरीफाई के लिए हमारा मोबाइल नंबर पूछा। मोबाइल नंबर पूछने के बाद जो QR कोड आपके दुकान पर लगा हुआ है या अगर आपके दुकान में नहीं है तो ऐप में आकर के आप जो है अपना QR कोड नंबर बता सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो ये वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आपके दुकान का नाम पूछेंगे, मतलब कि जिस नाम से आपने अपना फ़ोन पे अकाउंट बनवाया था, फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट दुकान के नाम पे, तो वो नाम आप बताएंगे। उसके बाद जो है ये प्रोसेस है। जी अच्छा, बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस का अगर आपको चाहिए तो वो अभी आने वाले दिनों में उसमें इंक्लूड किया जाएगा सर। अच्छा, मतलब कि अभी जो है वो डिफ़ॉल्ट के तौर पर इंग्लिश में ही है, अभी उसमें कोई अपडेट नहीं है। अगर अपडेट आता है तो उसके बाद चेंज कर सकते हैं। राइट, ठीक है सर। धीरे धीरे वो जैसे अपडेट हो जाएगा वो आपके रीजनल लैंग्वेज उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि वो तो फिर ऐप से ही करना पड़ेगा ना? चलिए ठीक है सर। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने जो है कस्टमर केयर से कॉल करके पूछा कि क्या हम अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, तो उन्होंने अपडेट ये दिया है कि अभी फ़िलहाल जो है आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हैं। वो सारे साउंड बॉक्स जितने भी साउंड बॉक्स फ़ोन पे के आ रहे हैं साउंड बॉक्स, उसमें सब में जो है डिफ़ॉल्ट तौर पे जो है इंग्लिश सेट किया हुआ है, तो अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। अगर वो अपडेट आता है तो आपका जो है लैंग्वेज खुद चेंज हो जाएगा रीजनल लैंग्वेज में, या फिर आप जो है चेंज कर सकते हैं अपने ऐप के द्वारा। फिलहाल तो जो है कोई अपडेट नहीं है और कोई लैंग्वेज आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पे तो उसमें अगर आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से चेंज करें तो चेंज करने का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हमने आपको दिखा दिया, कस्टमर केयर के पास कॉल करके आपको बताया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि फोन पे साउंड बॉक्स में लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।